दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे जेई का पेपर जो कि 27/8/2015 को कंडक्ट हुआ था। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर की सीरीज है, हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है नए क्वेश्चन बिल्कुल क्लास वाइज क्लास डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर शेयर सपोर्ट जरूर करें और साथ में जो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग practicemock.com का जो टेस्ट पेपर है, इसका पहला टेस्ट फ्री है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाएं पहले रेलवे जेई का पहले पेपर को अटेम्प्ट करें और देखें आपका स्कोर कितना वहां पर आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। यहां पर जो 27/8/2015 का पेपर है, इसमें 91 से लेकर 105 तक, ओके, ये सारे क्वेश्चन, लगभग 15-16 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ईजी हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे और जिनमें टाइम लगेगा वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यहां पर कहा गया है, इसमें कहा गया है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर एलसीएम इज 210, इफ वन नंबर इज 105 अदर नंबर क्या होगा। देखो यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो दो नंबर्स का दिया गया है 15 और जो एलसीएम है वो दिया गया है 210। ठीक है, और एक नंबर आपको दे दिया गया है, ये है 105, तो अदर नंबर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है जिसको हम कहते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, दो नंबर की बात है तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मैंने ले लिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ये होता है। तो यहां पर एचसीएफ जो है ये आपको दिया है 15 और ये एलसीएम दिया है 210। ठीक है, और एक नंबर भी आपको दे दिया गया है 105 सेकेंड नंबर, इसको आप मान लो कि एन, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो 15 से ये 7 बार जाएगा, 7 से 30 बार जाएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 30, इजी कैलकुलेट हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम में आप लोगों ने अगर ये वाली चीज़ पढ़ी होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग मूव करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 10, 15, 18 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब कहा गया है कि वह कौन सा जो है लीस्ट नंबर है, अगर 10, 15, 18 से अगर हम इस नंबर से डिवाइड करें तो हर बार 5 आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो आप इस केस में क्या करा करें, इसका एलसीएम ले लिया करें। देखो 10, 15 और 18, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा आपका 90। अगर आप ये डिवीजन मेथड यूज़ करते हो तो देखो 10 लिखा, 15 लिखा और 18 लिख दिया, तो ये आपका 2 से कटेगा 5 बार और 15 ऐसे ही रहेगा और ये कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स। फिर आप 5 से देख लो, 5 से एक बार और ये 3 बार और ये 9 एज इट इज रहेगा। अब आपका 3 से काट दो एक बार और ये 3 से एक बार और 3 से 3 बार और देखो फिर एक बार जाएगा, जब सारे 1-1 बच जाएं तो छोड़ दो। 3 × 3 9, 9 × 5 45, 45 × 2 90, तो 90 एलसीएम आ गया। अब इसमें आप 5 और ऐड कर दो तो हो गया 95, तो वो नंबर है 95। अगर 95 को आप 10, 15 और 18 इससे डिवाइड करोगे तो हर बार आपको जो रिमाइंडर है वो आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये जो 93 क्वेश्चन नंबर है 91, 92, 93, इसमें कहा गया है कि अगर ए अनुपात बी आपको 4:5 दिया गया है और बी अनुपात सी 2:3 दिया गया है तो सी अनुपात ए निकालिए, आसान है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी, मतलब ए बाई बी, ये आपको 4:5 दिया गया है। ओके, साथ में क्या दिया है, बी बाई सी, बी बाई सी ये कितना दिया है, 2:3 दिया गया है, तो सी बाई ए निकालना है। आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए बाई बी इंटू बी बाई सी अगर आप करते हो तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बाई सी। तो ए बाई सी निकालने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4:5 इंटू ये कितनी थी, 2:3, देखो ये कितना हुआ, 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15। पूछ क्या रहा है, सी अनुपात ए पूछ रहा है, तो हमने ए इज टू सी 8:15 निकाला है, तो सी इज टू ए क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 15:8 हो जाएगा। ठीक है, जो जिसका है वही रेशियो यहां पर रहता है। ओके, 94 क्वेश्चन, ये मैं आपको करा चुका था, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। इसमें लिखा है 25x 5 3, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था ना कि ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या होता है, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी होता है। अब यही अप्लाई कर दो, तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, 25 / x दैट इज इक्वल्स टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो नीचे रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आप सभी नीचे कमेंट में रिप्लाई करें। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर,
इसमें लिखा है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है 20% और 5%, ठीक है। तो ये पूछा है कि सिंगल डिस्काउंट इसका क्या बन कर आएगा। मैं आपको एक चीज़ बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, अगर कभी भी आपको अगर डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो अगर आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है, देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखो प्रॉफिट जो है इसको हम प्लस से दिखाते हैं, डिस्काउंट को हम लोग माइनस से दिखाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में थोड़ी सेट कर लो, क्योंकि प्रॉफिट में हम 100 प्लस कर देते हैं और हम डिस्काउंट में 100 माइनस कर देते हैं, ये तो करते हैं। तो आप ये देख लो प्रॉफिट को प्लस से, डिस्काउंट को माइनस से। अगर मैंने देखा ए डिस्काउंट दिया गया और बी डिस्काउंट दिया गया, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, मतलब माइनस का ए डिस्काउंट और माइनस का बी डिस्काउंट, ठीक है। तो सिंपल सा, अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ये आपका होता है माइनस ए और ये हुआ माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, मतलब ए इंटू बी यहाँ पर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। वैसे फार्मूला यही होता है कि अगर आपको ए और बी दो वैल्यूज दी गई हैं तो आप कैसे लिखोगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दोनों वैल्यूज निगेटिव हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, और हमें क्या करना है यहाँ पर प्लस ए बी करना होता है। तो आप देखो ए बी अगर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ए बी बाई 100, तो यहाँ पर क्या दिया, एक 20 दिया एक 5 दिया है, तो ये हो गया माइनस का 20 माइनस का 5 प्लस 20 इंटू 5 100/100, ये आपका 1 बचेगा। तो माइनस 20 माइनस 5 कितना हुआ माइनस 25, इसमें से आप प्लस 1 और कर दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 24। माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो इतने परसेंट जो है डिस्काउंट यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का सक्सेसिव, ठीक है। तो ये फंडा आपको समझ में आ गया। तीन के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो, पहले दो के साथ अप्लाई करो, जैसे सी दे दिया जाए और, तो आप ए बी के साथ निकाल कर एक वैल्यू निकाल लोगे, जैसे आपने ये निकाल दी, ठीक है, ये मान लो सी डैश आ गई, सी वन आ गई, तो आप क्या करो अगली बार इस सी वन के साथ में और जो ये वाली वैल्यू दी है इन दोनों को मिलाकर यही फार्मूला लगाकर बना सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका SICI का क्वेश्चन है, SI का बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसको बनाओगे मेरे साथ। 96 इसका रिप्लाई भी करना होगा कमेंट में। आपको लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी 800, मतलब कि जो साधारण ब्याज है 800 रुपए पर, तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा, मतलब मूलधन की वैल्यू हो गई 800। टाइम कितना दिया है 3 साल, रेट कितना दिया है 5%, पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज क्या आएगा। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, मतलब SI इक्वल टू PRT बाई 100 होता है। SI मुझे निकालना है, P मुझे पता है कितना, यहाँ पर वैल्यू रख दो 800 और R की वैल्यू 5 और टाइम 3 साल है, डिवाइड बाई 100। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आप लोग भी साथ में करते रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसमें क्या कहा गया, 97 इसमें कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी 8000, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज है 8000 रुपए पर, तो यहां पर मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8000 रुपए, ठीक है। फिर कहा गया है 1 ईयर, टाइम आपको दिया गया है 1 साल, ठीक है, और रेट कितना दिया है, रेट आपको दिया है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो क्या है अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। जब कभी भी हाफ ईयरली आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उस केस में रेट को आप हाफ कर दो, टाइम को आप डबल कर दो और अपने प्रिंसिपल अमाउंट को आप एज इट इज रखो, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो टाइम कितना हो गया 2 साल, रेट हाफ हो गया तो रेट हो गया 5%, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 8000 है। तो हमें क्या निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो ग्रिड मेथड मैंने आपको बताया था कि पहले साल में एक होता है, दूसरे साल में 2 लाइन बनाते हैं। तो देखो 8000 के ऊपर अगर आप 5% निकालते हो तो ये कितना आ गया 400, और फिर क्या है, फिर 400 आएगा, अब इस 400 पर फिर से 5% जाएगा तो ये कितना होगा 20। तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर दो, यही आपका क्या हो जाता है CI हो जाता है। तो 400 400 800 820 आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, मतलब कि 7
जो ऑब्जेक्टिव है, सात वस्तु हैं, उनका जो क्रय मूल्य है वो पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 7 CP, ये किसके बराबर है, 5 × SP। फिर कहा गया है देन द होल ट्रांजेक्शन देर इज अ प्रॉफिट ऑफ, पूरा जो समीकरण है पूरे ट्रांजेक्शन पे कितना लाभ होता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, देखो सात क्रय मूल्य, ठीक है, ये किसके बराबर है, पांच विक्रय मूल्य के, 5 SP के बराबर। तो इस केस में आप क्या करा करो कि यहां सीपी के साथ में वैल्यू क्या दी गई है, 7 SP के साथ वैल्यू क्या दी गई है, 5। तो आप कोई एक ऐसी वैल्यू देख लो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो सात और पांच की बात हो रही है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, मतलब 35 मैंने ले लिया एक नंबर ऐसा, वो सात से भी डिवाइड होगा और पांच से भी डिवाइड होगा। तो यहां पर आप क्या करो कि अगर मैं 35 को यहां पर लिख देता हूं, यहां पर भी मैं 35 को लिख देता हूं, तो देखो सात से कितने बार डिवाइड होगा, पांच बार डिवाइड होगा, ये पांच से सात बार डिवाइड होगा। तो यहां पर सीपी की अब वैल्यू हो गई 5 और एसपी की अब वैल्यू हो गई 7, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करना, जब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 5 रुपए में खरीदा और बेचा 7 रुपए में, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब 2 रुपए का प्रॉफिट जो हो रहा है, लाभ 2 रुपए का हुआ, किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होता है उस पर ही होता है। तो 2/5 × 100, तो 5 से 20 बार, 20 × 2 = 40, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, 40% प्रॉफिट, 40% लाभ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं, नंबर 99। इसमें क्या कहा गया है, टू गेन 20% आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब कि 20% का हमें लाभ चाहिए। ओके, हमने 5% डिस्काउंट दे दिया, शॉपकीपर शुड मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 4.75, मतलब कि जो कॉस्ट, जो शॉपकीपर था उसने क्या करा कि उसने 475 रुपये में एक वस्तु खरीदी, आप ऐसे मान के चलो कि 475 में उसने एक आर्टिकल को परचेस किया, ठीक है, उसने 5% का डिस्काउंट दिया और उसको गेन कितना हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको होता है 20% का, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि वो मार्क प्राइस कितना इसका रखता, ठीक है, ये चीज यहां पर कही जा रही है, मतलब 20% का गेन हुआ 5% डिस्काउंट देने के बाद, तो शॉपकीपर ने जो आर्टिकल है ओके ये 475 में खरीदा, तो उसने मार्कअप कितना रखा है, तो आपको मार्कअप निकालना है। तो बहुत आसान है, आप ये देख लो, आपको सीपी दिया है और आपको प्रॉफिट दिया है, तो आप इससे एसपी निकाल सकते हो। तो सीपी दिया है हमें, प्रॉफिट दिया गया है, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे, इस 475 में ये 20% प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा, 120%, ओके इसका हम निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार और 5 से 9 बार गया और फिर 5 बार, 95 × 6 करोगे, 95 × 6 कितना होता है, देखो 90 × 6 540, 5 × 6 30, तो ये हुआ कितना, 570, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर पता चल गया, 570 हो गया। अब ये भी ध्यान रखना उसने डिस्काउंट भी दिया था 5% का, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है मार्कअप, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है। तो जब 5% का डिस्काउंट दिया तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोडक्ट है वो 95% पर होगा, तो 95% की वैल्यू ये सेलिंग प्राइस के बराबर रख दो, 570। तो यहाँ से आप 100 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 570 डिवाइड बाई 95 × 100, ठीक है, एक की निकालेंगे फिर 100 निकाल लेंगे। तो देखो 5 से 20 बार, 5 से 19 बार, 19 से 30 बार, 30 × 20 कितना आ गया, 600 रुपये, तो ये आ गया 600 रुपये, ठीक है, मतलब 600 रुपये अगर वो रखता तो पूरी इक्वेशन इस तरीके से आपकी काम करती। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैंने लास्ट सेशन में भी करवाया था, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि एक शॉपकीपर है जिसने 35 किलो गेहूं, 35 किलो वीट, जो उसको कॉस्ट पड़ता है 15 रुपये पर केजी। तो सीधी सीधी वैल्यू लिखो, 35 किलो वीट है, ठीक है, और उसको 15 रुपये पर केजी पड़ता है, तो 35 × 15 कितना हो गया, देखो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 और 7 = 52, तो ये पड़ गया 525 रुपये का। ओके, फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद 25 किलो ऑफ द बीट, 25 किलो क्या है, वीट है, जो उसको पड़ता है 20 रुपये पर केजी, ठीक है, तो 25 × 20 अगर आपने कर दिया, ये कितना हो गया, 500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने मिक्सचर को 22 रुपये पर केजी पर
सेल कर दिया। ओके देखो 35 किलो वीट था, 25 किलो वीट था, इन दोनों को मिक्स अगर आपने कर दिया तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 60 किलो। मतलब 60 किलो जब उसने 22 रुपए के हिसाब से बेचा तो ये कितना हो गया 1320 रुपए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में 35 किलो 15 के हिसाब से 525 का, 25 किलो 20 के हिसाब से 500 रुपए का, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1025। और उसने मिक्सचर जो 60 किलो कर दिया उसको बेचा 22 के हिसाब से 1320 का, तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका गेन बताओ, मतलब उसको कितना प्रॉफिट कितना फायदा हुआ। तो देखो ये 1320 का बेच रहा है और ये 1025 का बेच रहा है, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है 295 रुपए। ठीक है 295, ठीक है ये हम 1320 में से 1025 को लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 295 जो है ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है ये किस पर हुआ, 1025 पर हुआ इनटू 100। अब देखो वैल्यू किससे कटने वाली है, अगर मैं 5 से काटता हूँ तो देखो 5 से 20 बार और 5 से ये 2 बार और 5 बार, फिर 5 से 4 बार और 5 से 41 बार जाएगा। 4 इंटू 295 अगर आप करते हो, 4 इंटू 295 तो ये कितना आएगा 1180 बटे ये कितना हुआ 41, इतने परसेंटेज उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की वैल्यू इस फॉर्मेट में निकल कर आ जाएगी। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं जो है 101। ठीक है थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ उसके बाद जरूरत ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। इसमें कहा गया है कि अगर इन टू वेसल्स ए और बी, मैंने आपको बताया कि दो वेसल हैं, एक है ए और एक है बी, इसमें मिल्क और वाटर है, मतलब वेसल का मतलब आप बर्तन मान लो, इसमें मिल्क है वाटर है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है। फिर कहा गया है कि ये किस रेशियो में, 3:4 और 2:3 में है। तो पहला वाला 3:4 में है, दूसरा किस में है, 2:3 में है। फिर कहा गया है कि द रेशियो इन विच दीज आर मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर विच कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, इस रेशियो में, मतलब इन दोनों को आप किस रेशियो में मिलाओ जिससे कि आपको मिल्क और वाटर जो है वो इस रेशियो में मिल जाए। ओके अब आप यहां पर ये देखो, अगर मैं टोटल बात करूं 3 और 4 ये हो गया 7 रेशियो में, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 रेशियो में। अब इन दोनों को इक्वल बना लेते हैं, तो एक ऐसा नंबर ले लो जो इन दोनों से डिविजिबल हो। ओके मैं यहाँ पर 35 ले लेता हूँ। ठीक है मतलब यहाँ पर अगर मैं कह दूँ 5 से मल्टीप्लाई अगर मैंने यहाँ पर कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 35। अगर मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हो गया हमारा 35। ठीक है तो आप ये मान के चलो कि अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हमारा जो अपडेटेड है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है तो मतलब आपने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 35 आया, तो 5 से आप इसमें ही मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, तो ये 15x और ये हो गया 20x। ठीक है इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। अगर मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 ये हो गया आपका 14/22 और 7 × 3 ये हो गया आपका 21/22। ठीक है तो अब ये दोनों क्वांटिटी जो है सेम रिस्पेक्ट में हो गई, मतलब अगर आप देखोगे कि 14 21 कितना होता है 35 और 15 और 20 कितना होता है 35। ठीक है अब आप मिल्क को मिल्क में ऐड कर दो और वाटर को वाटर में ऐड कर दो और मिल्क डिवाइड बाई वाटर ये कितना है 20:29 बनेगा। तो एक्स वाई की हम वैल्यू निकाल देंगे। देखो एक्स वाई क्या है, आपका वाटर और मिल्क है। ठीक है अब देखो यहाँ पर आप ध्यान क्या रखना कि 15x है। ठीक है तो ये आपका मिल्क था और यहाँ पर मिल्क कितना है 14/22 है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 15x + 14/22 ये कितना वाटर है 20x प्लस वाटर यहाँ पर कितना है 21y जो कि किसके बराबर आ जाता है 20:29। ठीक है अब यहाँ पर हम एक्स बाई में मिक्स कर रहे हैं तो एक्स बाई का हम रेशियो यहाँ पर निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप एक बार करते हो तो 29 की अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 435x। अगर आप 29 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे तो ये कितना मिलेगा 406। ठीक है ये हो गया बाई इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई 20 से किया तो ये हो गया 400x। ठीक है प्लस 20 की मल्टीप्लाई 21 से कर दिया तो ये हो गया 420y। अब आप यहाँ पर देखो 435x ये है, 400x अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 35x मिल जाएगा। और इस 406 को इधर ले जाऊं तो 420 में से 406 को लेस किया क्योंकि 22 में से 22 इजली माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 14/22। तो आप x को तो एज इट इज यहां पर रखो, y को डिवाइड में ले आओ। ठीक है अब आपका x y का रेशियो बन जाएगा, यहां पर पहले से वैल्यू कितनी थी 14 और ये वाली वैल्यू इधर आकर कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक है तो आपका अब x y का रेशियो कितना है 14 और 35, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो
7 से 2 बार 7 से 5 बार, तो 2:5 में आप इनको मिक्स करोगे तो आपको ये मिल्क वाटर का रेशियो आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आई होप अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बना लोगे। 102, इसमें कहा गया है कि एक पर्सन है जो साइकिलिंग करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस 100 मिनट में। टाइम जो है वो कितना दिया है, 100 मिनट दिया गया है। उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस प्लेस से इस प्लेस तक जाता है वो। ठीक है, तो मतलब 100 मिनट में जाता है और स्पीड है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस बताओ कि ये ए और बी की डिस्टेंस क्या निकल कर आएगी। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर के बाई एच में दिया गया है, यहाँ पर मिनट्स में दिया है, तो इसको भी हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे 100/60, तो मतलब कितना हो गया, ये हो गया 5/3 आवर। ठीक है, आपको स्पीड दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या निकालना है अब यहाँ पर, अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है, ये है आपकी 18 और 5/3, 3 से 6 बार 6 × 5 30, तो 30 किलोमीटर। ठीक है, आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे, 35 किलोमीटर, ओके 30 किलोमीटर, 52 किलोमीटर समथिंग। तो हमें क्या देखना है, 30 किलोमीटर हमारा आंसर मिल गया, तो दैट्स ओवर। ओके, एक और क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं, 103। देखो 103 में क्या कहा गया है कि एक ट्रेन है जो 200 मीटर लंबी है और मूव कर रही है 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप ये देख लो, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर, और किस स्पीड से जा रही है, 68 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, द टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, इट विल टेक टू पास अनदर ट्रेन, एक दूसरी T2 ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है, जो मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से। फिर लिखा है इन द सेम डायरेक्शन, यहां पर ध्यान रखना, देखो जब सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्पीड माइनस कर देते हैं, और अगर अपोजिट होती है तो हम क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं, दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर सेम डायरेक्शन कहा गया है, ओके, इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द मोमेंट दे मीट इज, ठीक है, तो आप क्या करो, सेम डायरेक्शन में माइनस कर दो, 68 में से 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 18 KBH किलोमीटर पर आवर आ गया। ट्रेन की लंबाई तो ऐड होती है 20 और 150, ये कितनी हो गई, 350 मीटर। ओके, अब आपको ये बताओ कि ये वाली चीज़ मीटर में दी है और ये आपको किलोमीटर पर में और में दिया है, तो आप इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको भी मीटर पर सेकंड में बना लो, 18 से 18 कट गया, मतलब 5 मीटर पर सेकंड जो है ये आपकी स्पीड आ गई। ओके, अब यहाँ पर हमें टाइम, ओके टाइम, देखो सीधी सी बात है कि टाइम अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, यही तो करते हैं, तो 350 ये डिस्टेंस है और 5 मीटर पर सेकंड इससे डिवाइड कर दो तो 70 जो आ गया, ये क्या हो गया आपका, 70 सेकंड आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है द टाइम इन सेकंड, तो 70 सेकंड आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें कहा गया है कि ए और बी किसी काम को करते हैं 24 दिनों में, मतलब हम ये मानते हैं ए प्लस बी मिलकर 24 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। फिर कहा गया है कि जो इफिशेंसी है ए इज डबल देन बी, मतलब ए और बी के जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, बी से दोगुनी है। तो अगर बी एक इफिशेंसी में काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, ए 2 करेगा। ठीक है, और दोनों मिलाकर कितना करेंगे, 2+1, 3 इफिशेंसी में काम करेंगे। ओके, समझ में आ गया इतना, ए इज डबल देन बी, तो बी 1 है तो ए 2 है। ओके, अब आप देखो ए बी मिलाकर 24 दिनों में काम करते हैं और इनकी इफिशेंसी कितनी है, यह है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 × 3, मतलब 72 काम हो गया हमारा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज बी एलोन, बी अकेले उस सेम काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो अगर आपको बी एलोन निकालना है तो टोटल कितना है, 72 वर्क, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 से आप इसको डिवाइड कर दो, मतलब 72 डेज ही यहां पर लगेंगे, यही इसका आंसर बन जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको मैं करा चुका हूं लास्ट सेशन में, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा कोड लिख कर दे रहा हूं, बाकी आप खुद सॉल्व करके मुझे बताना इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, बाकी और भी प्रैक्टिस मॉक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फ्री क्वेश्चन, फ्री मॉक जो है वो जरूर अटेम्प्ट करना। इसमें लिखा है पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब पी और क्यू
किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, फिर कहा है क्यू एंड आर, क्यू और आर जो है वो 15 दिनों में करते हैं, फिर कहा गया आर एंड पी, आर एंड पी ये करते हैं 20 डेज में। अब इस केस में क्या होता है, पी जो है वो दो बार दिया होता है, आर भी दो बार दिया होता है, क्यू भी दो बार दिया होता है, तो अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो तो आप कैसे लिखते हो, 2p प्लस 2q प्लस 2r, इसी तरीके से तो लिखते हो। ध्यान रखना, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ, ये कितना है 12, 15 और 20, ठीक है, अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हो तो 60 आपका आएगा, ओके। और अगर मैं इफिशियंसी इनकी निकालूँ तो 60 को 12 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 60 को 15 से करोगे 4 आएगा, 60 को 20 से करोगे 3 आ जाएगा। अगर मैं तीनों एफिशिएंसी को ऐड कर रहा हूँ, जैसे 2p प्लस 2q 2r, तो ये कितना आ जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, 12 एफिशिएंसी, दो कॉमन ले लोगे और कितना आ जाएगा p प्लस q प्लस r, और 2 जो कॉमन होगा वो इससे 12 को डिवाइड कर देगा 2 से, तो मतलब कितना आ गया 6 आपका आ गया p प्लस q प्लस r की कंबाइंड एफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, r से अकेले कराना है काम, तो अगर आप R से अकेले कराना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, P प्लस क्यू प्लस R में से क्या माइनस कर दो, P प्लस क्यू को आप माइनस कर दो, आपको यहाँ पर R मिल जाएगा। तो देखो P प्लस क्यू प्लस R कितना है, 6 है, ठीक है, तीनों मिलाकर, और P प्लस क्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है 5 एफिशिएंसी है, तो कितना आ गया 1, तो R आपने इस तरीके से निकाल दिया। टोटल काम 60/1 R की जो एफिशिएंसी है इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 60 डेज लगेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिन लोगों ने इसको अप्रोच कर लिया वेल एंड गुड, और भी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जो हमने 2015 का 28 वाला पेपर, 28 अगस्त का पेपर सॉल्व किया था, आज हमने 27 अगस्त का पेपर सॉल्व किया, तो दोनों में लगभग 95% सिमिलरिटी है पेपर के पैटर्न में, ठीक है। तो अभी जितने भी शिफ्ट सॉल्व करते जाएंगे तो यही आपको मिलता जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगला जो लेसन है वो अब हम अपलोड करने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली कोर क्वेश्चन से, और साथ में ही मैं आपको जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उनको बताता जाऊंगा, आप लोग उनको छोटे छोटे क्लाउड अपनी कॉपी में बनाकर उन फॉर्मूलेस को लिखते जाना, ठीक है। तो ये हम लोग स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाले हैं और क्वेश्चन काफ़ी सारे करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। और अभी अपकमिंग डेज में NTPC भी है, लेवल 1 भी है, ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो भी लोग तैयारी कर रहे हो वो सारे लोग इस वीडियो को देखो, शेयर भी करो, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आपके लिए जो कंटेंट इस चैनल पर मिल रहा है वो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव वे में आपको समझ में भी आए और आपके लिए जो है प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन आप प्लीज़ इसके लिए शेयर लाइक जरूर कर देना, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। और फ्री मॉक जो है वो अटेम्प्ट कर लेना, प्रैक्टिस मॉक का नीचे लिंक हमने दे रखा है, ओके। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको जेई की यहाँ पर मिलेंगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, एक लाइक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, डेली 9:30 के नियर अबाउट में वीडियो अपलोड होता है, तो यहाँ पर आप लोग नाइट में इस वीडियो को देख लिया करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।